दिन इकराम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत सारे कमेंट्स, कॉल और इंस्टाग्राम पर जिन लोगों ने मुझसे सवाल किया था कि एज बढ़ने के साथ साथ उनका स्टेमिना जो है वो, मर्दाना ताकत जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, तो उनकी ताकत बढ़ाने के लिए वो क्या इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोग जो है वो एलोपैथी में रोज़ाना टैबलेट्स लेते हैं जिसके साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो होना शुरू हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग जो है वो मुझसे नुस्खा भी दरियाफ्त करते हैं कि उम्र के साथ साथ जो है वो सेक्सुअल पावर जो है, मर्दाना ताकत अगर कम हो जाए, स्टेमिना कम हो जाए, तो उसके लिए कौन सी दवा, कौन सी टैबलेट्स सबसे अच्छी होती है। मैं आज आपके लिए लाया हूँ माजून मुगलिस जवाहर वाली। देख लीजिए आप, बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि जो आपने बताया था वो हमें नज़र नहीं आया। बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि ये चीज़ हमें कहाँ पर मिलेंगी। तो मैं आपको एक चीज़ वाजे कर दूँ, एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ वो सब चीज़ें मेरे पास अवेलेबल है। इसके अलावा ये माजून मुगलिस के साथ जो है मैंने एक पाउडर तैयार किया है जो आपकी मर्दाना ताकत को जो है बढ़ाता है, इंक्रीज़ करता है। इसका डोज आपको किस तरह लेना है, बड़ी उम्र वालों के लिए ताकत की मशहूर दवा 5 ग्राम सुबह दूध के साथ आप इसको इस्तेमाल करें। इससे देखिए आपके, आपका जो स्टेमिना है वो बहुत कम समय में बहुत अच्छा आपका स्टेमिना इंक्रीज़ होगा। और हमने एक पाउडर तैयार किया है जो सफ़ेद मूसली, अश्वगंधा और उसमें और भी जो मर्दाना ताकत को बढ़ाते हैं, जिनके स्पर्म जो है वो काउंट नहीं होते, जो लोग बे औलाद रहते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा जो है एक माजून है। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता दूँ, जो लोग बे औलाद है, लगभग अभी तक 103 पेशेंट जो है वो हमारे ज़रिए, यानी सब करने वाली ज़ात तो मेरे रब ताला की है, उसमें अपना कोई कमाल नहीं है, सिर्फ कोशिश करना हमारा काम है, शिफा देना मेरे रब का कमाल है। इन्नल्लाह अला कुल्ले शाइन कदीर, वो हर शय पर कादिर और मुतलक है। तो हम कोशिश करते हैं लगभग अल्लाह की रहमत से, हमारे ज़रिए, हमारी कोशिशों से अभी तक 103 जोड़े ऐसे हैं जिनको औलाद हो चुकी है। जो लोग बांझ है, औलाद के लिए तड़प रहे, ज़रूर मुझे संपर्क करें, ज़रूर कॉन्टेक्ट करें। औलाद ना होने की वजह से मैंने बहुत सारे केसेस देखे, रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, बहुत सारी माँ बहनों का जो है वो डिवोर्स हो जाता है, नौबत झगड़ों पर आ जाती है। जो बे औलाद है, किसी वजह से औलाद नहीं हो पा रही है, तो औरतें, आदमी कोई भी हो, आप अपना छोटा भाई समझकर जो है संपर्क कर सकते हैं, शिफा खाने में आ सकते हैं, पर्सनली अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बस आखिर में यही आपसे गुजारिश करूँगा कि अपना छोटा भाई समझकर, अपना बड़ा भाई समझकर मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें आप, ताकि किसी न किसी भाई का जो है वो फ़ायदा हो सके।